क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम शिवानंद मौर्य। आप अभी ये जैसे आप क्या बोलते हैं कि पानी में डूबने की खबर आपके साथ आ रही थी, क्या इस मामले में सच है? मैं भैंस लेकर अपने आ रहा था सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए। चलो भैया, तो बीच में भैंस हमारी इधर उधर हो गई, बस पानी बहुत तोड़ बहाव था इसलिए हम वहाँ से नहीं निकल पाए। इधर आते आते बहने लगे, डूबने लगे, तो पूर्व प्रधान रंजना सिंह हमारे जो हमारे गांव से गुजर रही थी, घूम कर देख रही थी पानी जा रही थी। मैंने चिल्लाया बोला तो गांव वाले अल्लाह किए, तो उनको बचाने के लिए पूर्व प्रधान रंजना सिंह ने नाव से घूम रहे थे, अपना नाव लेकर आए उनको बचाने के लिए। हमारे साथ घटना होते होते बच गए प्रधान की सक्रियता से आपको। हाँ, हम अपने पूर्व प्रधान की सक्रियता से बचे। अच्छा, पिछले 4-5 दिन से यहाँ पानी भरल बा, कैसे आप गुजर बसर? 4-5 दिन से पानी भरल बना, सचेला सब डूब गए बटे। आ यहाँ पर कौनो चीज़ का व्यवस्था नहीं थे, लाइन कट गए बा, तेल पानी है नहीं, कैसे कैसे बना, अंधेरे में कटत। हाँ, ओकरे बाद शासन प्रशासन के तरफ से कोनो मदद वगैरह? कोनो मदद नहीं बटे, नहीं नहीं थे। इलाज वगैरह बीमारी वगैरह खातिर कुछ? हाँ, बीमारी उमारी खातिर के जमना है ये नहीं, तो कैसे जाइए, नहीं बीमारी हो तो मर जाइए, तो डूबा पानी हो गए कौड़ा। क्या नाम है आपका? सोदा। क्या समस्या है? समस्या बा कि इतना दिन से पानी 3 बार आ गया, एक बार हमने के नाई ना आई, और खाने पीने को या गोरु चौवा सब के अंधेरे में खाना नहीं बन पावता, केंगे बनावल जाए, केंगे हमने करवल जाए, कोनो व्यवस्था नहीं थे। आपका प्रधान के है? सप्तम प्रधान हुआ, एक बार झके ना पड़ना। 3 बार बाढ़ आयल, 3 बार में एको बार ना आई? एको बार ना आई ना। हमारा प्रधान रंजना सिंह नहीं है, लेकिन 3 बार बाढ़ी में आ चुके। अच्छा, ये पूर्व प्रधान भी होते हुए भी बार बार समझ अपन हाल चाल लेवे खाली पहुंचे? हां जी, आ गइल बानी यहां का। आप भूतपूर्व प्रधान जी रंजना सिंह जी, पिछले 3 बार से क्रमशः बाढ़ 1 महीने के अंदर इस देवरांचल में आ चुका है, और लोगों की समस्या है कि यहाँ पे प्रधान पूर्व जो वर्तमान प्रधान है सपन कनौजिया, 1 बार भी नहीं आए, और आप 3 बार आकर जनता की हाल जाने, जनता ने आपको क्या कहा इस बीच में? देखिए, हम तो यहाँ के पूर्व प्रधान रंजना सिंह हैं, हमारा ग्राम सभा दुबारी है, और जनता का हाल चाल जानने के लिए तो हम आते ही हैं। हम पहली बार भी आ चुके हैं, जब इससे पहले पानी आया था, और आज भी आए हैं समस्या सुनने के लिए। अब देखिए, मानवता के नाते तो आना ही पड़ेगा, और इन लोगों की समस्या बहुत गंभीर हो गई है, और डीएम साहब से हमारी बात भी हुई है, और डीएम साहब आश्वासन भी दिए हैं कि जो भी संभव है इन लोगों की मदद की जाएगी। आपने डीएम साहब से क्या कहा? हम डीएम साहब से कहे हैं कि भैया, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग छत पे भी चढ़ के गुजारा कर रहे हैं, और मान लीजिए यहाँ से लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहले की तो समस्या है कि लोग खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ। ठीक, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, वह आश्वासन ही नहीं दिया है, करेंगे भी, इन लोगों की व्यवस्था करेंगे, खाने की भी और रहने के लिए भी। तत्कालीन व्यवस्था के लिए? तत्कालीन व्यवस्था के लिए तो बोले हैं कल से इन लोगों की व्यवस्था लगा दी जाएगी। इन लोगों का ये भी मांग है कि पर्याप्त नाव नहीं चल रही है जिससे आवागमन इन लोगों का। नाव तो देखिए, यहाँ ये लोग बता रही है कि 4 दिन से 6 दिन से नाव की व्यवस्था नहीं है, ये लोग फंसे हुए हैं, और पानी की समस्या तो भैया आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से, आपको तो बताना है नहीं। और देखिए, हम तो आए हैं तो वहाँ बंधे पे जो है कि लोग कहे हैं कि नहीं नाव चल रही है, लेकिन देखिए यहाँ बाढ़ चौकी पे बाढ़ शिविर का होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक बाढ़ शिविर का स्थापना नहीं की? नहीं हुआ है।